राजस्थान के बारा छिपाप डोद खजुरिया लिहासी बांध पर सैकड़ों लोगों को अपनी जान पर खेलकर अवैध रूप से मछलियों का शिकार करते हुए देखा जा सकता है। प्रतिबंध होने के बाद भी बांध में इन मछली पकड़ने वालों के विरुद्ध आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और ना ही कोई केस बनाया गया है। जानकारी के अनुसार मत्स्य विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण पर नहीं आने से मछलियों का शिकार करने वालों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। कई बार पुलिस के जवान निरीक्षण पर आते हैं तो शिकारी पुलिस को देखकर भाग निकलते हैं। मछलियों का शिकार करने वाले बांध के गटों के नज़दीक ही अवैध रूप से जाल डालकर और बड़े बड़े लमडोरे डालकर मछलियों का शिकार करते हैं। हाट बाजारों में, होटलों में मछलियों को अवैध रूप से बेचते देखा जा सकता है। क्षेत्र में मछलियों का शिकार रोकने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, इससे मछलियों का शिकार करने वालों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। वहीं जल संसाधन विभाग छबड़ा के सहायक अभियंता चंद्रभान सिंह ने बताया कि जब भी हम बांध के गेट बंद करते हैं तो कुछ लोग आकर बांध के गेट के नज़दीक जाल डालकर अवैध रूप से मछलियों का शिकार करने लग जाते हैं। गेट के नज़दीक पानी बहुत ही गहरा है जिससे अनहोनी होने की आशंका बनी रहती है। हमारे द्वारा कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। हम भी अवैध रूप से मछलियों का शिकार करने वाले लोगों से परेशान हैं। इनकी देखरेख की जिम्मेदारी मत्स्य विभाग की होती है लेकिन मत्स्य विभाग के अधिकारी यहाँ कभी निरीक्षण नहीं करते। एक्चुअल में क्या है, जब जब हम गेट बंद करते हैं तो ये लोग पता नहीं कहाँ से आके डैम के नीचे मछली निकालने लग जाते हैं और हमने कई बार इनको समझा दिया, बता दिया भाई आप इसमें 10-12 फीट पानी है, आप डूब जाओगे, मर जाओगे, लेकिन लोग बाग नहीं मानते। इसके लिए हमने उच्च अधिकारियों को भी बताया इसके बारे में और यहाँ आती भी है पुलिस जब भाग जाते हैं ये लोग और वापस फिर वही पोजीशन हो जाती है, तो इससे हम भी परेशान हैं। कोई ऐसा घटना घटित ना हो जाए जो हमारे डिपार्टमेंट के नाम जबरदस्ती के एक कलंक लग जाए, तो हम भी काफ़ी परेशान हैं इससे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।